starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today, we are going to start another important topic, which is data center. So, uh, data center, kya hota hai? Uh, is question konsa karne se, se pehle, I would like to go on from few things. So, hum sare. Uh, हम सारे ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं हम रोजाना बेसिस पे गूगल इस्तेमाल करते हैं Amazon की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं Netflix, obviously, Bing, Search Engine, Facebook, Salesforce, Google Documents इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी डिफरेंट different, डिफरेंट different जो हैं हम कहीं ना कहीं पे मेडिकल परपजेस के लिए हम सारी इस्तेमाल कर रहे हैं सो so हम हमें ये सारी सर्विस हैवी एवर थॉट कभी हमने ये सोचा है कि हमें ये सारी सर्विसेज किस तरह से मिल रही है तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें ये सारी सर्विसेज किस तरह से मिल रही है हम अपने मोबाइल फ़ोन पे जाते हैं अपने लैपटॉप पे जाते हैं और इंटरनेट के थ्रू इन सर्विसेज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन इनके पीछे आ, पूरी एक टेक्निकल टीम बैठी हुई है पूरे मुख्तलिफ लॉट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो कि हम तक ये सर्विसेज पहुँचा रहे हैं हमें यही लगता है कि हमने इंटरनेट की सर्विस खरीद ली है तो हमें जो है ये सारी चीज़ें अब आराम से जो है वो मिलना शुरू हो गया की बात की तो आई होप सारे नेटफ्लिक्स की अगर बात करें तो की एक वेब पे जाके हम बेशुमार बेतहाशा मूवीज कार्टून ड्रामाज और, और सीरीज ये सारा कुछ देख रहे हैं लेकिन हम तक ये कैसे पहुंच रहे इंटरनेट के थ्रू तो पहुंच ही रहा है हमारे है, हमारे पास लेकिन ऐसे नेटफ्लिक्स ने पीछे ऐसा क्या सिस्टम रखा हुआ है क्या सेटअप रखा हुआ है कि इंटरनेट के तो हम उसे बड़े से देख सकते हैं तो ऐसा क्या सेटअप इसके अंदर मौजूद है सोवियसली so इसके पीछे हमारा एक डाटा सेंटर है हर एक चीज का एक डाटा सेंटर है सो so, हम ये देखते हैं कि जो हमारी वेब है गूगल है तो गूगल नहीं ये सारा डाटा जितना भी डाटा है सारा डाटा बाइनरी के हम कहते हैं कि जितना भी डाटा होता है वो जीरो वन की शक्ल में स्टोर होता है तो वो जितना डाटा है वो सारे का सारा सर्च इंजन गूगल के जरिए हम तक आ रहा है हम तो बतौर यूजर हम एज ए यूजर क्या कर रहे हैं हम सिर्फ गूगल के ऊपर जाते हैं और अपना आ, कोई भी डाटा सर्च करते हैं तो हमें मिल जाता है तो गूगल सर्च इंजन ने पीछे वो सारा डाटा क्या रखा हुआ है सेव रखा हुआ है इसी तरह से एक एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई जो के मुख्तु किस्म की लोकेशन का बताती है तो हम बिंग कस्टमर यूज़र, हम इंटरनेट के जरिए गूगल ब्राउज़र ब्राउज़र पे जाके गूगल क्रोम के या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के या फिर मोजिला फायरफॉक्स के मोजिला के या फायरफ के हम ओपरा के हम इस तरह से मुख्तु किस्म के ब्राउजर्स पे जाके इंटरनेट के जरिए इन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और उन और अपनी जरूरत के मुताबिक हम उस चीज़ को सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट हमें क्या करी एक्चुअली ये हमें डाटा प्रोवाइड करी ये हमें डाटा प्रोवाइड करी है अमेजोन की वेबसाइट पे गए हम हम हमें जो है वो मुख्तलि किस्म का सेल परचेज किए जो है वो डाटा मिल जाता है सो so, अब हर यूजर अपने अब, अब हम वेब वेब से मूव करके हम किस मूव करके हम एप्लीकेशन से मूव करें कि अगर एक अमेजोन है तो हम चाहते हैं कि हर एक बंदा अपने अपने क्या कर ले अपनी अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले और हर बंदे ने अपने लिहाज से एप्लीकेशन को कस्टमाइज किया जैसे मैं अगर बात करूँ यहामेजोन तो की बात चल रही है तो मैंने लेट से फेसबुक जो है वो डाउनलोड की हुई है सो मैंने अगर ये कोर्स अगर मैंने फेसबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड की भी है तो मैं उसे वेब वेब एप्लीकेशन के जरिए भी एक्सेस कर सकता हूँ और वो वेब एप्लीकेशन के जरिए वेब के जरिए वो सारा डाटा मैं उसको चेक कर रहा हूँ ऑनलाइन मैं उसको चेक कर सकता तो हूँ तरीका दूसरा तरीका ये है कि मैं फेसबुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करना चाहता करना शुरू कर दे तो मैं चाहता हूँ मुझे लॉग करना ना पड़े मेरे जाते साथ साथी फोटो मुझे नजर आना शुरू हो जाए और मुझे ये वाले ग्रुप स्पेसिफिकली फेसबुक के ऊपर जो है वो नजर आना शुरू हो जाए तो हर एक एप्लीकेशन का डाटा स्पेसिफिकोवाइड कर हर यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या मिल रहा है हर यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसे डाटा मिल रहा है तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कोई भी सर्विस है चाहे वो एमेजोन है वो फेसबुक है गूगल है नेटफ्लिक्स है कोई भी चीज नेटफ्लिक्स के बारे में भी यही है कि अगर मैं कोई ड्रामा सीरियल देख रहा था नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने एप्लीकेशन की हुई है उसकी और मैं देखते देखते बंद कर दी है तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं दोबारा से ओपन करूँ तो वो वहीं से कंटिन्यू हो तो कस्टमाइजेशन इस तरह से हो सकती है तो ये सारा किस तरह से ये अमेजोन नेटफ्लिक्स फेसबुक ये सारी इनके पीछे ऐसी क्या टेक्निकल टीम इन्वॉल्व है जो कि हमारी इन, इन सारी चीज़ों को यूज़र रिक्वायरमेंट्स को वो क्या कर ये फुलफिल कर रही है सो so, इन सारे क्वेश्चंस का ये आंसर है कि इन सारों के पीछे डेटा सेंटर्स इन्वॉल्व है सो so, ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है ये फेसबुक का डेटा सेंटर है ये गूगल का डेटा सेंटर है और ये इनसाइड ऑफ गूगल डेटा ये ऐसे एक रैंडमली इनसाइड है किसी भी डेटा सेंटर की तो so, इसका मतलब है कि डेटा सेंटर हमारे पास एक ऐसा रूम है डेटा सेंटर एक कमरा भी हो सकता है

बढ़े हुए डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल किया जाता है जो कि हर एक कंपनी की टीम कंट्रोल करती है सो so इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेटा सेंटर जो है वो समझ आ गया तो जिस तरह जिस तरह से यूजर्स बढ़ते जाएंगे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे डेटा सेंटर भी बढ़ते जाएंगे डेटा सेंटर का साइज भी बढ़ता जाएगा सो 1.15 बिलियन यूजर्स हैं इस टाइम हमारे पास Facebook के कितने ज्यादा यूजर हैं के 100 बिलियन सर्चिज होती है पर मंथ एक महीने के अंदर एक आ, सर्वे के मुताबिक कोई हंड्रेड बिलियन ऑन एवरेज सर्चिज होती है गूगल के ऊपर तो इतने यूजर्स हैं हैं जो सर्च कर रहे होते हैं, एक मंथ के अंदर तो हर एक यूजर की एक सर्च को कैटर करने के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम एक सर्वर एक कंप्यूटर में जूज होना चाहिए वो कहां होगा वो इंस्टॉल होगा आपके कंपनी के डाटा सेंटर के अंदर यानी कि डाटा सेंटर एक ऐसा कमरा है एक ऐसी जगह है एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर आपने यूजर्स का डाटा या यूजर्स को अपनी कंपनी की स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो सारी चीजें कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल की हुई है तो हम एक्चुअली कंप्यूटर्स के जरिए डाटा को क्या करते जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ गूगल की मैं अगर किसी डाटा को सर्च करना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है वो डाटा कहीं ना कहीं किसी हार्ड डिस्क के ऊपर तो स्टोर होगा तो मैं गूगल के सर्च इंजन के जरिए उस हार्ड डिस्क पर स्टोर डाटा को क्या कर रहा हूँ एक्सेस कर रहा हूँ तो फिर इतने ज्यादा लोग जब एक ही हार्ड डिस्क को एक्सेस करेंगे तो फिर स्लो होने के बहुत चांस हैं तो उस स्पीड को बरकरार रखने के लिए अपनी सर्विस को बरकरार रखने के लिए आपको डाटा रेप्लीकेट करना पड़ जाता है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे मैं अगर क्लास में एक अकेला टीचर हूं और थ्री हंड्रेड स्टूडेंट तो हर बच्चा अगर मुझसे सवाल पूछ रहा होगा तो मैं हर बच्चे का सवाल जो है वो नहीं करना नहीं दे पाऊंगा मैं एक एक टाइम में एक बच्चे का ही सवाल दूंगा और बाकी स्टूडेंट्स आउट ऑफ वेट करना पड़ेगा तो इसी तरह से अगर हम टीचर्स की तादाद बढ़ा दें तो शायद हो सकता है कि स्टूडेंट्स की क्यूरी सोल्व होने का जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा तो इसलिए फिर आपको ये सारी सर्विस बेहतर बनाने के लिए स्पीड को बेहतर करने के लिए अपनी सर्विस का मैं बेहतर करने के लिए आपको जो है वो डाटा सेंटर का साइज भी

फिर तो इस तरह से आपकी ग्रोथ जो है 2005 के बाद आगे 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 बढ़ती गई और हर एक कंपनी ने फेसबुक का इतना बड़ा डाटा है जो कि आप गूगल के थ्रू जो है वो आप उसकी सेपरेट वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसे एक्सेस करते हैं फेसबुक की बात करो तो हर एक कंपनी को फिर अपना एक सेपरेटली इक्विप्ड रूम जिसके अंदर उनके सर्विस पड़े वो मेनटेन करने की जरूरत पड़ी तो कुछ इस तरह से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मॉडर्न डाटा के जिसमें स्विचेस लगे होते हैं रैक्स के अंदर सारे राउटर और स्विचेस और ये डिवाइसेस प्लेस की जाती हैं और सर्वर रैक्स बनाए जाते हैं तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है अभी एक जस्ट एक व्यू देख रहे हैं तो ये सर्वर्स का रैक है ये गूगल सर्च जो गूगल हमारा डाटा सेंटर है उसके अंदर इतने इस तरह से मतलब कि ये जो रूम होता है हमारे पास गूगल जो हमारा डाटा सेंटर होता है डाटा सेंटर के अंदर जब आपने बहुत ज़्यादा सर्वर्स मेंटेन करने हैं तो फिर आप क्या करते हैं उन जिस तरह से अलमारियाँ होती हैं तो हम कहते हैं कि ये रैक्स होते हैं ये रैक्स होते हैं ये एक बिल्कुल आपको एक अलमारी नज़र आ रही है आपने अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऑब्वियसली हर कैंपस के अंदर भी एक डाटा सेंटर होगा हमारा जो कि इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा कैमरेस की सर्विसेज को देख रहा होगा और तमाम के तमाम जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सर्विसेज uh, हैं वो हर एक कैंपस हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक डाटा सेंटर मेंटेन करके प्रोवाइड करेगी जहाँ पे एलएमएस की टीम भी हो सकती है एलएमएस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो तो वहाँ पे अगर आप विजिट करें तो इतना बड़े साइज का तो रैक नहीं होगा जाहिर सी बात है छोटे-छोटे रैक्स आपके पास अवेलेबल होंगे उन रैक्स के अंदर जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी राउटर और जो है वो कनेक्टेड होंगे सो ये उसी तरह से राउटर स्विचे और मुख्तु किस्म की डिवाइसिस की कनेक्टिविटी को ये शो करें कि एक रैक के अंदर चालीस से अस्सी डिवाइस प्लेस कर सकते हैं सो ये हमारे पास कुछ फेसबुक का डाटा सेंटर है तो आपको अब यहां से आइडिया हो रहा होगा कि एक ऐसा मशीनरी रूम है जहां पे सारी डिवाइसिस पड़ेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हुई हुई है सो ये गूगल का आपका एक जो है वो डाटा सेंटर so, आप मशीन, मशीन है आप देख रहे हैं सर्वर हैं। भी हो सकते हैं भी हो सकती है और किस्म की कनेक्टिविटीज है सो अगर हम डाटा सेंटर, सेंटर को देखें अगर फेसबुक के डाटा सेंटर को देखें तो अप्रैल दो हजार नौ पंद्रह बिलियन तस्वीरें थी पंद्रह बिलियन फोटोज और सिक्सटी बिलियन इमेजेस आपके पास जो है वो स्टोर थी जो कि अब करंटली तौर पर वीक जो है टू बिलियन जो है है बिलियन फोटोज वो अपलोड की जाती थी 2009 के अंदर और अब वन बिलियन फोटोज पर वीक जो है वो अपलोड करते हैं यूजर्स हम सारे कौन अपलोड कर हम अपलोड करते हैं हम कैसे अपलोड करते हैं हम अगर यहाँ से साथ वाली सोसाइटी में भी जाते हैं तो हम जो है वो स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि हम जो हैं यहाँ पर तो इस तरह से यूजर्स जैसे जैसे फेसबुक के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं फोटोज़ भी अपलोड होते जा रहे हैं तो फेसबुक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये वो आता जा रहा है सो फिर उसके बाद जैसे फोटो अपलोड हो तो आपको फिर साथ ही ये भी होता है कि नहीं, मेरे दोस्त अहबाब और वो मेरे जो है वो जल्दी से फोटो देखे कमेंट करें और लाइक करें तो इसलिए फिर इनका जो सर्विंग रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है सर्विंग रेट के अंदर क्या मुराद है सर्विंग रेट पर सेकेंड इतनी को कैटर करना है और अपने लाइव करना है जो कि यूजर्स को अवेलेबल हो सके सो so अगर हम फ्रंट एंड डेटा सेंटर की कुछ ट्रैफिक को देखें अगर आपको मैं कुछ बेहतर आइडिया देता हूँ फेसबुक का सर्वर और हम ये सारे यूजर्स हैं हम ये सारे इंटरनेट यूजर्स हैं सो ये सर्वर्स अपनी सारी कनेक्टिविटी को वाइड एरिया इंटरनेट के थ्रू वैन के थ्रू यूजर्स तक क्या कर रहे पहुंचा रहे हैं सो so हम एप्लीकेशन के जरिए अब ये डाटा सेंटर फेसबुक का भी हो सकता है यूट्यूब का भी हो सकता है किसी म्यूजिक कंपनी का भी हो सकता है फोटोज के इस तरह से मुख्तिक हैं जो तो कि सारा डाटा उन्होंने म्यूजिक को नाइनटीन नाइनटी से लेकर दो हजार इक्कीस तक मेंटेन किया हुआ सो so, ये सारा हमारा क्या है सारा फ्रंट एंड है डाटा सेंटर का कि हम इंटरनेट के जरिए एक डाटा सेंटर को एक्सेस करते हैं और वो डाटा सेंटर हमें स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड तो याद रहे इस वीडियो के अंदर सिर्फ सिर्फ मैंने आपको ये बताना चाहा कि डाटा सेंटर क्या है और किस परपज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्यों मेंटेन करना जरूरी है अभी हमने नहीं देखा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है सो हम अपने अब इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि आईटी जो कि हम आपको याद होगी ये पिक्चर हर वीडियो के अंदर आपको मैंने दिखाई होगी ये पूरा एक आईटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पार्ट है तो हमने इसमें अब हर एक पार्ट को देखना अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाले मेड्यूल के ऊपर हमने प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट देख लिया है हमने ये सारे फंक्शनल देख लिए हैं अब हम इस पार्ट में डाटा सेंटर वाले पार्ट के ऊपर आ गए तो सबसे पहले आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन करने के लिए एक डाटा सेंटर बनाना पड़ता है तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था हमारे डाटा सेंटर का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डाटा सेंटर की पावर सप्लाई किस तरह से की जाए

और उस कमरे में आपने कनेक्शन के लिए जो डिवाइस रखी हुई हैं उसे आप सब इक्विपमेंट रूम कह सकते हैं तो मेन मेन इक्विपमेंट रूम आपका क्या होगा एक स्मॉल डाटा सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है जैसे आ, एक कैंपस बना हुआ है यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का लेट्स से लीड्स का कैंपस बना हुआ या किसी भी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस है तो उस कैंपस की कनेक्टिविटी उसके हेड ऑफिस से करने के लिए आपने जो डिवाइसेस प्लेस की हुई है आपने उस कैंपस के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कैमरास की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो सर्वर्स रखे हुए हैं और एलएमएस के लिए जो आपने सर्वर्स मेंटेन किए हुए एक छोटा सा आपने उसमें रूम बनाया हुआ तो वो उस बिल्डिंग का मेन इक्विपमेंट रूम कहलाएगा कि इस पूरी बिल्डिंग की इंटरनेट सर्विसेज आईटी सर्विसेज सारी की सारी मतलब कि आई देखिए आईटी के अंदर कैमरा उसका जो डीवीआर है, है वो सारे का सारा उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है वो सारा वहीं पैगा और आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल भी बैठे जो टाइम मोनिटर करते रहें के ऊपर सो तो कैमराज के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फिर उसके बाद एल के लिए सर्वर क्योंकि आपके मैनेजमेंट मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम के ऊपर आप चाहते हैं कि का अपलोड हो वो सेव वो उनके सर्वर्स पड़े हुए तो उसके लिए एक मेन रूम होगा जहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी होंगी जहाँ पे जिनकी रियल टाइम में कनेक्टिविटी हो रही होगी जिनका लाइव रहना बहुत जरूरी है आपका मेन इक्विपमेंट रूम होगा इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑन डाटा सेंटर डाटा सेंटर की कैटेगरीज है जैसे अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम मेन इक्विपमेंट रूम होगा हमारी

जैसे फेसबुक है स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अमेजोन है गूगल है तो ऐसे जो डाटा सेंटर होते हैं मल्टी टेनेंट डाटा सेंटर आपके कहलाएंगे सो so, इसी तरह से डाटा सेंटर की जो लोकेशन है वो भी बड़ी मैटर करती है जो डाटा सेंटर की आपकी लोकेशन है डेट रियली मैटर एक देखिए ऐसा नहीं है कि आपने ये सारी इक्विपमेंट्स ली तो ये सवाल बड़ा पैदा होता है कि आपने रूम कौन से वाला एक्चुअली बनाना है रूम को बनाना, आपने सारी को रखना कहाँ पर है इम्पॉर्टेंट बहुत, बहुत क्वेश्चन है, है, है तो यूनिवर्सिटी ने आपने देखा होगा खास रूम के अंदर ये सारी प्लेस क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं जैसे सबसे पहले बात होता है क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्वेश्चन आती है क्वेश्चन आता है इन द फ्यूचर कि क्या आपके पास ऐसा रूम है कि अगर बाद में आपके कैंपस में स्टूडेंट्स बैठे हैं आपको आ, जो है वो कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है सर्विस के साइज बढ़ने पड़ते हैं तो क्या आपका रूम में स्पेसिस अवेलेबल है तो ये भी देखना पड़ता है क्या लोकेशन आपका रूम ऐसा है कि अगर खुदा ना खादा बारिश की वजह से आपके कैंपस में पानी ज्यादा आ जाता है तो क्या वो कमरा ऐसा है कि वहां तक पानी उस सूरत हाल में पहुंच ही ना सके अक्सर हमने देखा है मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ के उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था तो बारिश आई और बहुत शदीद बारिश आई समर रेन थी और मानसून की बारिश थी और उसकी वजह से इतनी ज्यादा बारिश आई लाहौर सिटी के अंदर कि ग्राउंड फ्लोर वाले जो उनका सीवरेज सिस्टम था वो पूरा फ्लॉप हो गया और उसकी वजह से पानी पूरे ग्राउंड फ्लोर में आ गया ग्राउंड फ्लोर पे तो उनका डाटा सेंटर था पूरी कैंपस का उनके सर्वर्स खराब हो गए जल गए और बड़ा एक मालन जो है नुकसान करना पड़ा तो जहाँ पे आप सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं अब ये देख रहे हैं कि क्या इज दिस लोकेशन Uh, सेब से या इस तरह से नुकसान हो सकता है ठीक है जी सो so, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है फिर उसके बाद क्या डेटा सेंटर uh, हुन प्रॉन एरिया के अंदर तो नहीं है कि ऐसा रूम तो नहीं है कि जहाँ पे अगर तेज़ हवा या आंधी है तो वो कनेक्टिविटी का फिर मसला बन जाए फिर उसके बाद अर्थ को लिहाज से भी आपको देखना पड़ता है बारिश के लिहाज से और क्लाइमेट चेंजेस के लिहाज से फिर तो उसके बाद कोई ऐसी ऐसा रूम ना आप पास बनाए जहाँ पे फायर की स्टोरेज हो या केमिकल प्लांट हो देखे जैसे आपने अपना डाटा सेंटर साथ जनरेटर रूम के साथ बना दी तो जनरेटर रूम में इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है एक डर होता है एक डर होता है कि ज़्यादा ओवर हीट की वजह से समर में अगर फट गया तो साथ में डाटा सेंटर को नुकसान हो सकता है तो फिर उसके बाद तो ये सारी डाटा सेंटर की कुछ बातें हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास आती है कि जब आप डेटा सेंटर बना रहे हो तो डेटा सेंटर को रूम कैसे आपने चूज करना तो ये कुछ बातें हैं आपने जो है बातें हमें माइंड में रखनी पड़ती है हमें यूटिलिटीज को भी देखना पड़ता है कि हम क्या हमें पावर सप्लाई को भी देखना पड़ता है कि अगर डेटा सेंटर को हम इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं केबल्स कैसे वहां तक लेके जाएंगे और फॉरेन कंट्रीज

नहीं कर पाऊंगा तो ये कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है कि जब भी आप डाटा सेंटर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे और क्यों कर रहे हो ये सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की तो ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी तो यूटिलिटीज अवेलेबल टू तो द डाटा सेंटर से दाटा पावर सप्लाई पावर सप्लाई वहां पे रिडंडेंट होनी चाहिए मल्टीपल सोर्सेज तो इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि एक डाटा सेंटर के फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके अंदर मैं सारी चीजें जो है वो क्लियर करूंगा तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि डाटा सेंटर क्या होता है बनाना क्यों जरूरी होता है और एक डाटा सेंटर की कैटेगरीज कितने किस्म की होती हैं और डाटा सेंटर की लोकेशन कितनी ज्यादा मैटर करती है